हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में आगे सीरीज़ में क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10^7, 2×10^8, 3×10^8, 3×10^10 मीटर प्रति सेकंड। तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज का दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो ये न्यूमेरिकल है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट कायम है निर्वात में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दिखते ही। जैसे ही निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हमें दिख जाती है, फौरन जैसे ही निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दिख जाती है, तो फौरन सी का मान हो जाता है सी बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही निर्वात में प्रकाश की चाल शब्द आ जाए, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को सी कहा जाता है, बाकी किसी भी माध्यम में दे दे तो वो वी कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मीन्स सी का मान। तो कांच जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक शब्द दिखते ही, जैसे ही अपवर्तनांक शब्द दिख जाए, फौरन एन का मान होता है, एन का मान हमें दे रखा है 1.5। फिर कह रहा है क्वेश्चन, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को सी कहा जाता है, बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाए उसे वी कहा जाता है। वी विक्टी फोर घुंडी का डीवी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना हो उसके आगे ये दराती वाला निशान लगा दिया जाता है। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, सूत्र होता है इसका सीधा सीधा बिल्कुल, सी बराबर एन वी। अब सिर्फ जगह पर मान रखना होता है, जगह पर सी की जगह पर सी का मान 3×10^8 बराबर का निशान बराबर, अब आ गया एन, एन की जगह पर 1.5, अब आ गया V, N और V के बीच में कोई निशान नहीं है। जब बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता है, गुणा V। अब हमें V का मान याद करना है, इसलिए V का मान याद करना है इसलिए इसके जो गुणा वाली चीज़ है वो भाग में आ जाएगी बटे में इधर, तो V के जो गुणा में है वो नीचे भाग में आ जाएगा, यानी 3×10^8 बटे 1.5 आ जाएगा इसके नीचे, बराबर कितना बचेगा, वी बचेगा इधर खाली वी। अब 1.5 से 3 को डिवाइड कर दिया जाएगा, 1.5 मींस डेढ़, डेढ़ का पहाड़ा जब पढ़ेंगे डेढ़ दूनी 3 दो बार जाएगा, तो वी इस साइड लिख दिया जाएगा बराबर 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, और कल चार कल हुए थे क्वेश्चन, दो हो गए, सातवां क्वेश्चन टोटल और आज का तीसरा क्वेश्चन। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः, पहले शब्द लिखा हुआ वायु, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दिखते ही, जैसे ही वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दिख जाए, फौरन सी का मान होता है, सी बराबर पहला वाला 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद तथा कांच, कांच में प्रकाश की चाल पहले वायु में, तो वायु में तो प्रकाश की चाल सी कहा जाता है, फिर कांच में, वायु और निर्वात के अलावा कहीं भी प्रकाश की चाल दे दे कहीं भी, तो ऐसी कंडीशन में वी कहा जाता है। यानी बात को कांच लिखा हुआ है तो कांच में प्रकाश की चाल दूसरी वाली हो जाएगी 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहा है आगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अब इसमें अपवर्तनांक का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है, जब अपवर्तनांक का दो या दो से ज़्यादा बार जिक्र हो जाता है तो वो प्रोसेस अलग थोड़ा करते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछा गया है, इसका मतलब एन का मान हम लोगों से पूछा गया है, अपवर्तनांक शब्द दिखते ही एन का मान होता है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बिल्कुल बताया है सी बराबर एन वी, जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान, सी की जगह पर सी का मान 3×10^8 बराबर
एन, एन का मान ज्ञात करना है। अब आ गया वी, एन और वी के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है बीच में, वी की जगह पर वी का मान 2 × 10⁸। अब जो गुणा वाली चीज़ है वो बटे में आ जाएगी, एन का मान ज्ञात करना, एन के गुणा में 2 × 10⁸, ये बटे में आ जाएगा इधर वाले के। मीन्स पहले तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा 3 × 10⁸, और बटे में कौन आ जाएगा 2 × 10⁸ बराबर कितना बचेगा उधर एन, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, एन बराबर 2 से 3 को भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10, यानी एन बराबर आ जाएगा 1.5, 1.5 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच का बर्तनांक अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अधिकतम न्यूनतम अधिकतर ये क्वेश्चन एक विकल्प बना करता है। तो कांच का बर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, और आ जाए क्वेश्चन न्यूनतम, न्यूनतम किस रंग के लिए होता है अपवर्तनांक, तो वो लाल रंग के लिए। फिलहाल अधिकतम है, अधिकतम तो बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य अधिकतम किस रंग के लिए होती है, लाल रंग के लिए, तो न्यूनतम किस रंग के लिए होगी, बैगनी रंग के लिए। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम कौन से कलर का होता है, तो प्रिज्म द्वारा जो अधिकतम विचलन होता है वो बैगनी कलर का होता है। न्यूनतम किसका हो जाएगा, न्यूनतम जो है वो लाल रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, अपवर्तनांक मतलब ठोसपन, जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। इन चारों में ये देख लेंगे हम लोग ठोस कौन सा ज़्यादा होगा, किसके अणु ज़्यादा पास पास होंगे, तो वायु का, वायु इतना ज़्यादा ठोस नहीं है, कांच, हीरा, जल, इन सब में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, हीरे का, वो भी पारदर्शी माध्यम, अपवर्तनांक हमेशा पारदर्शी माध्यम का होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतम न्यूनतम वाले, तरंग दैर्ध्य अधिकतम, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम या न्यूनतम, इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो एक ट्रिक होती है हल्की सी, विबगयोर, ये एक शब्द होता है विबगयोर पूरा, इसके अलग अलग अल्फाबेट कर देते हैं, तो वी से बैगनी कलर होता है वायलेट, आर से रेड कलर होता है यानी लाल। इसका मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा बैगनी कलर के लिए होगी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बैगनी कलर के लिए होगी वो चीज़ लाल रंग के लिए सबसे कम होगी, और जो चीज़ बैगनी रंग के लिए सबसे कम होगी तो वो चीज़ लाल रंग के लिए सबसे अधिक होगी। इसका मतलब सबसे अधिक या सबसे कम का क्वेश्चन आ जाए विकल्प में, तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प होता है, और तो विकल्प होते ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, कांच का बर्तनांक अधिकतम होता है, अब अधिकतम या न्यूनतम बैगनी या लाल होगा, तो इसका मतलब पीला कलर और हरा कलर तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, ये तो विकल्प हो ही नहीं सकता। कौन कौन सा बचा, बैगनी और लाल, तो हमें अब ये चीज़ पता होना चाहिए, अब बर्तनांक बैगनी का अधिकतम होता है या लाल का, तो बैगनी का अधिकतम होता है। जब बैगनी का अधिकतम हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन यही बन जाए, कांच का बर्तनांक न्यूनतम होता है, न्यूनतम, न्यूनतम किसके लिए हो जाता, लाल रंग के लिए हो जाता अगर न्यूनतम पूछता। अब तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए, इसका मतलब न्यूनतम किस रंग के लिए हो जाएगी, बैगनी रंग के लिए। ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें विकल्प की ओर। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी या अभिसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो ये विकल्प देखते ही लगाने वाले विकल्प होते हैं। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है, तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। अगला, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु ऑब्लिक मतलब या निकट बिंदु भी आ सकता है पेपरों में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी शब्द भी लिख के आ सकता है, तो मानव नेत्र, स्वस्थ मानव नेत्र मतलब सही व्यक्ति जो होगा उसे सही दिखता होगा, तो उसका जो निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेमी होती है, मींस हमने कोई किताब ली और पढ़े, पढ़ने के बाद हम पढ़ते रहे, 25 सेमी से कम दूरी पर लाके ऐसे करके पढ़ के देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु मीन्स कहाँ तक वो अधिकतम देख सकता है, तो दूर बिंदु अनंत पर होता है।
अगला स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रकाश का आवर्तन सबसे अधिक होता है, मानव नेत्र में प्रकाश का आवर्तन सबसे अधिक कॉर्निया से होता है, कॉर्निया से। तो ये सब क्वेश्चन देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से एक विकल्प ज़्यादातर अंदाज में आ जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा मीन समझने का है, निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को और उसका दूर बिंदु पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख ले परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख ले, तो इसका मीन्स जो दूर बिंदु सही आँख के लिए होता है वो अनंत पर होता है। तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखता है तो वो दूर बिंदु जो होता है अनंत से थोड़ा कम दूरी पर आ जाता है। दूर बिंदु जो होता है स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत पर होता है, लेकिन जिसे निकट दृष्टि दोष हो उसका दूर बिंदु अनंत से थोड़ा पास आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है अनंत से कम दूरी पर। 18वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होता है। अब निकट बिंदु मतलब कहाँ तक वो साफ देख लेता है, जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसका, जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसका निकट बिंदु 25 सेमी होता है, 25 सेमी। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। सही आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेमी। अब निकट की वस्तु साफ देख लेता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति को किताब या अखबार पढ़ते हुए इस तरीके से लेते हैं, ऐसे नहीं देखता तो ऐसे पढ़ के देखते हैं इस तरीके से, यानी 25 सेमी से भी कम दूरी पर, यानी 25 सेमी से कम दूरी पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होता है। तो ये हमारी लाइट से संबंधित कुछ विकल्प थे। आप लोगों को डेली 7 बजे, 7:30 के समथिंग 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हुआ करेगी। कल से मैथ की वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये साइंस की वीडियो थी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।